One out of five pregnant ladies can struggle through mental health issues. Approximately 30% of population around the globe are suffering from mental health issues. Back then, she would delve into the unconscious mind by injecting mentally ill patients with hypnotic drugs or so-called truth serums. And the number of patients diagnosed rose into the thousands. Depression ranked first in Pakistan, 34%, where is second leading cause of disability or disease across the world. Suicide is the leading cause of death among younger age population, 15 to 29 years. In every 40 seconds, one person commits suicide. Only 0.20 psychiatrists are available per 100,000 population in Pakistan. To Pakistan, we look at one effort to tackle a widespread public health problem that gets scant attention. For decades, Pakistan has been in a state of post-traumatic stress from the Afghan war, ethnic tension, religious violence, terrorism. The economy, hindered by corruption, does little to reduce the poverty that drives so much of the turmoil. It's enough to drive anyone crazy, unreported, undiagnosed, and untreated. It's socially taboo, often viewed as a curse from God, not an illness. Patients have often been restrained in chains and subjected to other humiliation. डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ने मुख्तलिफ डायरेक्शन से मुख्तलिफ जेहतों से मरीजों का इलाज करने की कोशिश जारी रखी हुई है. इस सिलसिले में जो नशे में मुबतला अफराद हैं उनके इलाज के लिए ड्रग एडिक्शन वार्ड का क्याम, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए कुरान पाक की तलावत और तर्जमे का इंतज़ाम, इसके अलावा जेल में मौजूद कैदियों की नफसियाती रिहेबिलिटेशन के लिए और उनकी मेंटल हेल्थ को करने के लिए उनकी मेंटल हेल्थ प्रोफाइलिंग और उनकी काउंसलिंग और उनके रेगुलर चेकअप्स, इसमें भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जो है उसने खुसूसी किरदार अदा किया. वन आउट ऑफ थ्री पेशेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ सफर थ्रू द इश्यूज ऑफ ड्रग एडिक्शन. मैं डॉक्टर बुरहान मुस्तफ़ा साहब को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और रहीमियर खान में मेंटल हेल्थ को उजागर करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है. तो काइंडनेस इज़ अ नीड ऑफ टाइम
और उसको डेसिपेट करना, और हम सब ने कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मेरा ख्याल में कि ये नरमी, हमदर्दी, मेहरबानी, काइंडनेस, इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो हल हो जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, प्रोफेसर डॉक्टर बुरहान अली मुस्तफ़ा हमारे बहुत ही बेहतरीन साइकेट्रिस्ट हैं इस पूरे इलाके के। मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम बिकॉज वो हमारी बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करते रहते हैं अलॉन्ग विद डॉक्टर अरूज बुरहान मुस्तफ़ा। जैसे कहते हैं ना कि आपका आधा मर्ज ख़त्म हो जाता है अगर डॉक्टर अच्छे तरीके से बात करता है। ज़हनी हेल्थ का आप ख्याल रखेंगे तो आप इस तरीके से अपने आप को बेहतर, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं, अपने साइकेट्रिस्ट से, अपने साइकोलॉजिस्ट से। आप इन चीज़ों के बारे में जाके एडवाइस लेने को आप शर्म या आर महसूस ना करें। पाकिस्तान स्पेंड्स ओनली 0.3% ऑफ इट्स एलोकेटेड बजट टू हेल्थ ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज। पाकिस्तान रैंक्ड लोएस्ट अमंग ऑल द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज रिगार्डिंग स्पेंडिंग ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज। कोरोना का एक सिलसिला चला, अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं बहुत बहुत कि आपकी शेख जैद की पूरी टीम ने साइकोलॉजिकल थेरेपी के जरिए ना सिर्फ प्रिजनर्स के लिए बल्कि ख़ास तौर पे स्टाफ के लिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि हमने बहुत सारे सेशंस किए उनके साथ, हम सब ऑफिसर्स बैठे, इवन हम ऑफिसर्स भी उस कहीं ना कहीं ट्रॉमा का शिकार थे। और यकीन करें कि जितनी काइंडनेस के फवायद मैं अमूमन प्रिजन सिस्टम में देखता हूँ कि हम अगर काइंड रहें, जुर्म एक शख्स ने कर लिया, अदालत ने उसको सज़ा दे दी, उसके बाद हम उसको जो पहला लफ्ज़ लिखते हैं जेल के गेट पे सबसे बाहर, वो लिखते हैं कि नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं। तो इंसान तो हमेशा ही काबिल इज़्ज़त, काबिल तकरीम और काइंडनेस की। डिप्रेशन रैंक्ड फर्स्ट इन पाकिस्तान 34%, वेयर इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी और डिजीज अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हमने बच्चों के लिए अपना एक साइकोलॉजिस्ट हमारे होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो इन बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनका मेंटल लेवल जो है ना, इसको बेहतर करने के लिए इनको मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, इनको इनकी काउंसलिंग की जाती है, इनको साइको सोशल काउंसलिंग की जाती है, इनके साथ फैमिलीज़ की काउंसलिंग की जाती है। बच्चे मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो मतलब स्मूथली जो है ना रिहेबिलिटेट नहीं होंगे वो बच्चे। हमारा यहाँ आने का मकसद तो होता है कि उनका मेंटल स्ट्रेस को कम किया जा सके, उनको ये एहसास दिलाया जा सके कि वो अपने घर से दूर नहीं, वो अपने घर में ही हैं। हम जैसे उनसे मिलते हैं, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें और ये छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करनी चाहते हैं ताकि उन्हें ये एहसास ना हो कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, वो अपने घर वालों में नहीं हैं। हम तो उनके साथ घुल मिल के उनको ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि बच्चों आप लोग अपने घर में हो, ताकि उनकी स्ट्रेस कम हो, उनकी टेंशन कम हो, उनका मेंटल लेवल ब्रॉड हो और वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करें। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आता हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनको ये एहसास ना हो कि ये घर से दूर हैं या इनके वालदैन नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, और मेरा दिल करता है मैं इनके साथ खेलूँ, ये मेरे साथ खेलें, ये मेरा अच्छा इनके साथ वक्त गुजरे। और मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं तो अपनी जान मान अपना माल ऐसे बच्चों पर लगा दूँ और उनको एहसास भी ना होने दें और ये अच्छे सिटीज़न बन जाएं, अच्छे पाकिस्तानी बन जाएं और कल ये अपना आप संभालने के लिए बल्कि इस मुल्क को संभालने के लिए हमारे साथ ये तावन करें। मेरा भाई इंग्लैंड में, मेरे सारे भाई बाहर होते हैं पाकिस्तान से बाहर, सिर्फ मैं ही हूँ पाकिस्तान में। उसने रेपुटेशन सुनी थी मेरे भाई ने इंग्लैंड में जो होता है डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा की, वो मुझे कराची से लाया या रेजनर खान एडमिट करवाया। तकरीबन 10 महीने लगे मुझे ठीक होने में। डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा ने मुझे दवाइयाँ दी थी, उन दवाइयों से मैं ठीक हुआ था और इस साइकोलॉजिस्ट की मेहरबानियों से मैं ठीक हुआ हूँ। मैं रिटायर हुआ इस साइकेट्री की बुनियाद पर था और उसके बाद जब डिजीज़ हो गई मुझे शिज़ोफ्रेनिया की, इस शिज़ोफ्रेनिया ने मुझे 28-29-30 साल परेशान किया है। मैंने इतना बुरा वक्त काटा है जिसकी कोई हद नहीं, और मेरी बीवी बच्चों ने इंतहाई बुरा वक्त काटा है मेरे साथ। अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ।
Bismillahir Rahmanir Rahim, Chief Guest and Chair of Board of Management, Dr. Tanveer Asim Bajwa, Respected Principal, Professor Dr. Tariq Ahmed Saab, Professor Dr. Madhavas Hussain Rana, Mr. Sayyid Babar Ali, Superintendent Jail Rahim Yar Khan, all respected guests, attendees, students, and organizers, Assalamu Alaikum. My name is Dr. Muhammad Aslam. I'm a professor of psychiatry at University of Cincinnati and geriatric psychiatrist. I want to thank you, Dr. Ali Burhan Mustafa and Dr. Aruj Mustafa, for their kind invitation. Again, it's a great honor and pleasure to be part of this Mental Health Day celebration.